एवरीवन, बच्चे हम बात कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी हम जो है लार्ज सैंपल के लिए बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो लार्ज सैंपल में जो हमने अभी तक किया है टेस्टिंग ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन, डबल प्रोपोर्शन, सिंगल मीन, डबल मीन, इन सब की हमने बात करी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक बचा है लार्ज सैंपल के लिए। स्मॉल सैंपल करेंगे बाद में, सैंपलिंग में, हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में स्मॉल सैंपल भी आएगा, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारा जो टॉपिक रहता है, एक छोटा सा टॉपिक रहता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करेंगे हम कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। यानी कि दो सैंपल्स होंगे हमारे पास और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कंपेयर करना है, टेस्ट करना है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या रहेगा, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा इस केस में। Z इज इक्वल टू आपने करना है S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2N1 डिवाइडेड बाय 2N2। ये आपका है क्या क्या चीजें, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। S1 S2 क्या है हमारे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है हमारे पास, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत सारे बुक्स में जो लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल के लिए जो है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग सेम होता है लार्ज सैंपल के लिए। इसलिए वहां पर जो आप एच नॉट जो डिफाइन कर रहे हैं वो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं बात करूंगी उसके बारे में भी। तो लार्ज सैंपल के लिए जो सिग्मा 1 और S1 है ना मेरे बच्चे, वो जो है लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन नहीं है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके जो है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिए होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका जो जेड स्टैटिस्टिक रहेगा वो ये रहेगा, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन कई बार अगर वो स्पेशली अगर किसी रेयर किसी क्वेश्चन में अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर नोन है तो जो है उस केस में आपका ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं तो ये फॉर्मूला जाएगा आपका। नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको करना है। प्रोसीजर वही रहेगा, सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है, सॉरी सेटअप करनी है। नल हाइपोथेसिस आपने अज्यूम करनी है। नल हाइपोथेसिस आपने क्या अज्यूम करनी है, आपको ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इज द डिफरेंस इन मीन सिग्निफिकेंट, क्या मीन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या सिग्निफिकेंट है। तो हम मान लेते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, एच नोट आपका आएगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जो भी उसने पूछा है। तो मीन में पूछा है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछा है तो देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। गर्ल्स का जो मीन दिया उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया एन इज इक्वल टू 121। 121 बच्चियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जो ये टेस्ट किया गया उसका मीन ये आया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया। बॉयज जो है 81 बॉयज ऐसे हैं जिन पे टेस्ट किया गया उनका मीन 81 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 12 आया। कोई डेटा उठाया गया है उनका और उनका जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने है। अब पूछा क्या गया है आपसे, ए पार्ट में कहा गया है कि इज द डिफरेंस इन मीन सिग्निफिकेंट, ये अपना पीछे वाला क्वेश्चन है। तो मीन सिग्निफिकेंट है या नहीं है पहले ए पार्ट को ही उठा लेते हैं हम। ए पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एच नॉट डिफाइन करनी है। जैसा कि हमने कहा कि मीन इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन, नो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन, ये आपका जो है आ जाएगा एच नॉट। या तो आप उसको इस लाइन में लिखो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मींस, या फिर आपने सीधा लिख दिया एक्स वन बार इज इक्वल टू एक्स टू बार। नाउ व्हाट इज एच वन, एच वन जैसा कि हमने पहले ही बात करी है कि एच वन जो आपका आता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि एक्स वन बार इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बार, ये आपका एच वन है। इन दोनों में से एक हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, या तो एच नॉट या फिर एच वन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आपका बन रहा है। जेड स्टैटिस्टिक अगर हम निकाले तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स वन बार इज इक्वल टू 84, ठीक है। नाउ एस वन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट वाले सैंपल का लिख लेते हैं पहले एस वन। नाउ एन वन इज इक्वल टू 121। नाउ एक्स टू बार इज 81, एस टू इज 12,
एंड एन टू इज 81, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें हमारी आ गई। अब हमने क्या टेस्ट करना है यहाँ पर, मीन के लिए टेस्ट करना है। तो हमने पहले फॉर्मूला किया था जेड स्टैटिस्टिक, उसके लिए क्या था, ये नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। हमारा मीन के लिए फॉर्मूला आएगा। मीन के लिए फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये है मेरा, आपने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइडेड बाय एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू अंडर द रूट। सारी वैल्यूज रख देते हैं, एक्स वन बार इज 84 माइनस एक्स टू बार इज 81 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एस वन का स्क्वायर आपका 100, 100 डिवाइडेड बाय एन वन, एन वन इज 121 प्लस एस टू स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय एन टू, एन टू इज 81। इसको जैसे ही आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ इसका। इसका जो आंसर आएगा बच्चे 0.1859, ठीक है। तो नाउ जेड कैलकुलेटेड, जेड कैलकुलेटेड को आप मोर जेड से भी डिनोट कर लेते हैं। जेड कैलकुलेटेड मोर जेड मतलब ये, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपको प्लस ही उठाना है, ठीक है। मोर जेड इज इक्वल टू, अच्छा और ये यहाँ पर क्या है भाई, टू टेल टेस्ट है, ये टू टेल टेस्ट है, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, अभी तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, तो आप 5% पे जाएंगे। नाउ जेड मोर जेड इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 0.1859 व्हिच इज लेस देन 1.96। 1.96 क्या है आपकी, z टैबुलेटेड वैल्यू है, z टैबुलेटेड वैल्यू है, z कैलकुलेटेड इज लेस देन z टैबुलेटेड, देयरफॉर। और यहां पर हेडिंग डाल लिया करो कंक्लूजन, यहां पर हेडिंग लिख लिया करो कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन यानी कि कोई नतीजे पर पहुंचते हो तो उसको आप यहां पर कंक्लूजन से डिनोट करेंगे। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, देन z कैलकुलेटेड, देन आप कंक्लूजन कि क्या आपके पास रिजल्ट आया क्या है, ठीक है। जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टैबुलेटेड, ये क्या है आपका, जेड टैबुलेटेड, लेस देन टैबुलेटेड, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, इन दोनों मीन्स में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है नहीं, लगभग लगभग सेम सेम से ही है वो। तो ये हमारी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे लिखना चाहो तो दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, राइट स्टूडेंट्स। बी पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट में क्या है, इज द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डिफरेंस है वो क्या सिग्निफिकेंट है। ये सारा डेटा तो एज इट इज, ये दो लाइन जो मैंने लिखी थी वो तो एज इट इज ही रहेंगी, ये आपका चेंज हो जाएगा एच नॉट और एच वन। एच नॉट और एच वन क्या हो जाएगा आपका, एच वन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई डिफरेंस है ना, नहीं है कोई डिफरेंस, वो हमारा एच वन है। नाउ एस वन इज इक्वल टू एस टू, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू लिखा हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन मीन, और फिर आगे बोल रहा है वो कि सैंपल मीन में कोई डिफरेंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ही लिखेंगे, एस वन इज इक्वल टू एस टू, क्योंकि हमने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को ही टेस्ट करना है। सो लेट असाइन एच नॉट एज एस वन इज इक्वल टू एस टू। नाउ वट इज एच वन, इसका बिल्कुल अपोजिट, नॉट इक्वल टू, एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू। नाउ जेड स्टैटिस्टिक तक जाना हमने, जेड स्टैटिस्टिक इज दिस वन एस वन, एस वन क्या है यहाँ पर 10, माइनस एस टू क्या है यहाँ पर 12, जो आपने यहाँ डेटा लिखा था यहाँ पर दिया, एस वन एस टू एक्स वन बार एक्स टू बार एन वन इन टू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एस वन स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय टू एन वन, ठीक है, टू एन वन। तो टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो एकम दो, दो चार, दो एकम दो, प्लस एस टू का स्क्वायर, एस टू इज 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एन वन, एन टू, एन टू है आपका दो एकम दो, दो अठे 16, 162, ठीक है। ये वैल्यू आई आपकी माइनस वन पॉइंट समथिंग आएगी, माइनस 0. समथिंग आएगी, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस 1.7526, माइनस 1.7526, चेक कर लेना इसको 3 आएगा या 5 आएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ मोर जेड, मोर जेड इज इक्वल टू 1.7526, ठीक है। मोर जेड इज इक्वल टू, मोर जेड मतलब नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही आपने उठानी है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, स्टेप वाइज करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को, ये छोटा सा टॉपिक हमारा रहता था, इसी को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। नाउ मोर जेड इज इक्वल टू 1.7526 व्हिच इज लेस देन 1.96, व्हिच इज लेस देन 1.96, व्हिच इज जेड टैबुलेटेड। नाउ जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टैबुलेटेड, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस,
ठीक है, ग्रेटर आएगी तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और यू कैन से वी एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने बच्चे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे ही आपके पास डेटा पड़ा है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या उसने पूछा है, किस तरह से आपका जेड स्टार ठीक रहेगा। फॉर्मूले सारे एक तरफ लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे से, किसी एक पेज पे लिख लेंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से काम करेंगे ये, ठीक है। तो बात करेंगे स्मॉल साइज के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है हमारी, वो उसके लिए क्या स्टैटिस्टिक बनेगा, किस तरह से हमने करना है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे।